क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि दर्शकों यहां पर ओपिनियन पोल चलाया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी। जहां राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस हो जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि फिर विपक्ष की जो 26 पार्टी का अलायंस हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, उसमें पीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं और दोनों की अहमियत पार्टी के तौर पर और जनता को जोड़ने के तौर पर बहुत ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल जिस राज्य में पहुंच जाते हैं वहां झाड़ू के लोग यानी कि झाड़ू का समर्थन करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। दर्शकों आपको बता दें कि यहां पर राहुल गांधी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि तमाम जो राज्य है, उत्तर प्रदेश की बात कर लो आप, राजस्थान की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे या होने हैं, जहां जहां राहुल गांधी पहुंचे चुनाव का जो है सलीखा बदल गया, यानी कि भले ही कांग्रेस पार्टी को झटका लगा हो लेकिन जनता जुड़ने लगी, जनता बात सुनने के लिए पहुंचने लगी। तो यहां पर एक कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल में से पीएम चेहरा कौन होगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर ये बात कही जा रही है कि उनके समर्थन में जो विपक्ष पार्टी के नेता खड़े हैं वो लंबे समय तक उनके साथ खड़े रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा या फिर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनसे मुलाकात कर ली जाएगी। लेकिन इस बीच रिपोर्ट क्या कहती है, देश भर में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। ऐसे में अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर साल 2024 में पीएम मोदी का जादू नहीं चल पाया, एनडीए गठबंधन की हार होती है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। देश में इस वक्त अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो पीएम कि पहली पसंद कौन होगा, इस सवाल को लेकर टाइम्स नाउ ने एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में कहा गया कि कहीं ना कहीं ईटीजी के इस सर्वे में लोगों ने बताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सबसे मजबूत पीएम कैंडिडेट्स कौन हो सकता है। सर्वे में लोगों ने सबसे ज्यादा अभी वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम मोदी को ही चुना है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो एक तगड़ी भिड़ंत देखी जा रही है वो अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर राहुल गांधी के रूप में देखी जा रही है। वहीं दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर 6% लोगों ने बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार को चुना है, वही 5% लोगों ने जो है तेलंगाना के सीएम केसीआर को चुना है, 12% लोगों का मानना है कि अगले पीएम जो है अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, वही 13% लोगों का मानना है कि यहां पर प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री चेहरा जिन्होंने राजनीति के लिए बहुत कुछ किया, जनता के लिए बहुत कुछ किया है, उन गिने चुने चेहरों में से राहुल गांधी अभी 13% के तौर पर आगे चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर यहां पर इंडिया यानी कि जो 26 पार्टियों का गठबंधन है वो जीतता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे आप देख पाएंगे। दर्शकों आपका क्या रुख है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, आप भी जो है कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।